अगर आपकी रुचि भी मेडिकल क्षेत्र में जाने की है तो आपके लिए ओटी टेक्नीशियन बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकता है। आजकल हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे कर्मचारियों की मांग होती हैं जो कि हॉस्पिटल को संभालने और वहाँ के विभिन्न विभागों को संभालने का काम करते हैं। तो हॉस्पिटल की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इस समय ओटी टेक्नीशियन की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। सबसे पहले यह जान लीजिए ओटी टेक्नीशियन होता क्या है। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन को ओटी टेक्नीशियन कहते हैं। एक ओटी टेक्नीशियन ऑपरेटर ऑपरेशन के समय डॉक्टर के साथ काम करता है। हॉस्पिटल के सभी यंत्रों की देखरेख एक ओटी टेक्नीशियन ही करता है। इसमें आप अपना करियर आसानी से बना सकते हैं। अगर आपकी भी रुचि चीरफाड़ में है हॉस्पिटल में तो यह आपके लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। आज हम आपको ओटी टेक्नीशियन के डिप्लोमा के बारे में बताएंगे तथा इसे करने के बाद क्या स्कोप इसका होता है, इससे कहाँ से करें और ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा कितने वर्ष का होता है, सभी की फुल डिटेल में जानकारी देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान राजेश में। कैरियर से जुड़ी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा तो साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें। तो दोस्तों, ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करके आप मेडिकल क्षेत्र में अपना बेस्ट कैरियर बना सकते हैं। ओटी टेक्नीशियन का डिग्री और डिप्लोमा दोनों होता है। आज हम आपको केवल ओटी टेक्नीशियन के डिप्लोमा के बारे में बताएंगे। तो आइए जान लेते हैं कि ओटी टेक्नीशियन करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी इसकी फीस होती है। डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसका एग्जाम कहीं पर एनुअल तो कहीं पर सेमेस्टर बेस होता है। यदि आप पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से इंटरमीडिएट पास किया है तो ओटी टेक्नीशियन का कोर्स आप कर सकते हैं। इसमें एडमिशन का प्रोसेस कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है तो कहीं पर इंटरमीडिएट की मेरिट के अनुसार होता है। इसकी एवरेज फीस होती है 50,000 से 1 लाख तक। ओटी टेक्नीशियन करने के बाद आप हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, रिसर्च सेंटर, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी भी जगह जा आप आसानी से पा सकते हैं। जब भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वैकेंसी निकलती है तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको इंटरव्यू पे या सीधे जॉब आसानी से मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी, ओटी टेक्नीशियन करने के बाद सैलरी क्या होती है। तो इसकी शुरुआत में सैलरी 15 से 20 हजार होती है। अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है और 2-4 साल का अनुभव है तो आपको 35 से 40 हजार आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको सरकारी जॉब मिल जाती है तो वह और भी अच्छा होगा। तो इसके लिए हम आपको टॉप इंस्टीट्यूट बता दे रहे हैं कि कहाँ से आपको करना चाहिए। अगर यहाँ से आप करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बेटर हो सकता है। तो टॉप इंस्टीट्यूट में सबसे पहले नंबर पे आता है SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव, दूसरे नंबर पे आता है टेक महिंद्रा सम्राट एकेडमी फॉर हेल्थ केयर, ये मोहाली में है, और तीसरे नंबर पे आता है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, चौथे नंबर पे है पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा और पांचवें नंबर पे है भगवत यूनिवर्सिटी जो कि अजमेर में है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको ओटी टेक्नीशियन के बारे में फुल डिटेल में जानकारी दी है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल इसके प्रति आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछिए, हम आपको आंसर जरूर देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए जिससे जानकारी सभी लोगों के पास पहुंचे। अगर आप नहीं करते हैं तो किसी को बताने के काम तो आ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए तथा वीडियो को शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।